नमस्कार दोस्तों, अभी आपने वीडियो में जो आवाज़ सुनी वो किस पक्षी की आवाज़ है इससे शायद आप भली भांति परिचित होंगे। आपने गांव में दूर खेतों में इस आवाज़ को ज़रूर सुना होगा। इस पक्षी की आवाज़ इतनी तीखी होती है कि हम दूर से भी इसे पहचान लेते हैं। ये है पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला तीतर। वैसे तो दुनिया में इसकी कई नस्लें हैं, पर सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में इसकी केवल दो ही नस्लें हैं, काली और भूरी। यह एक अद्भुत पक्षी है जो पक्षी होते हुए भी उनसे बिल्कुल अलग है। यह अन्य पक्षियों की तरह पेड़ पर नहीं अपितु जमीन पर अंडे देते हैं, जैसे कि झाड़ी या पत्थरों की ओट में। यह अपने जीवन का ज़्यादातर समय जमीन पर ही गुजारता है, क्योंकि यह ज़्यादा ऊँचा उड़ नहीं सकता। खतरा महसूस होने पर यह बड़ी तेजी से भाग सकता है। अंडे सेकने का काम नर और मादा दोनों करते हैं। इसके बच्चे अंडों से निकलने के बाद तुरंत चलना सीख जाते हैं और 15 दिन के होने पर उड़ना भी सीख जाते हैं। ये पक्षी ज़्यादातर अकेले रहते हैं, इन्हें समूह में रहना पसंद नहीं। भूरे तीतरों को घास या खेत में पहचानना नहीं जा सकता, क्योंकि ये बड़ी चतुराई से अपने आप को छुपा लेते हैं। ये कीड़े मकोड़े या छोटे फल खाते हैं। इन्हें पालतू बनाया जा सकता है। पालतू बनने पर ये अपने मालिक के पीछे पीछे चलते हैं। उर्दू में कहते हैं कि ये पक्षी अपने स्वर में सुभान तेरी कुदरत कहता है, जबकि गढ़वाल में कहा जाता है कि इसका स्वर ऐसा लगता है मानो यह कह रहा हो छह स्यारे की खिचड़ी। इसलिए लोग इसे गांव में छह स्यारे की खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये मयूर वर्ग का ही पक्षी है जो कि बेहद खूबसूरत है, पर अब ये पक्षी लगभग विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि शिकारियों द्वारा इसका अत्यधिक शिकार किया जाता है। साथ ही खेतों में कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल के कारण भी ये अब विलुप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पहाड़ी तीतर पे एक जानकारी। आप भी कभी गांव जाओ और इस पक्षी की आवाज़ को सुनो तो कृपया इसके मीठे स्वर को महसूस करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।